बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की जांच के लिए बिजनौर में पुलिस ने अभियान चलाया। एसपी के निर्देश पर चलाए गए अभियान में खुफिया विभाग और पुलिस की टीम ने बिजनौर में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की जांच की। इस दौरान पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों के दस्तावेज भी खंगाले और अवैध रूप से बिजनौर में रह रहे लोगों से पूछताछ भी की। इस मामले में एसपी संजीव त्यागी का कहना है कि जिले में अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच की जा रही है। बिजनौर में एक अभियान चलाया गया है जिसके तहत बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो अवैध रूप से यहाँ निवास कर रहे हैं उनको चिन्हित करके पूछताछ की जा रही है। अलग अलग कस्बों में ये अभियान चल रहा है और इसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। फिलहाल पुलिस और खुफिया विभाग की टीम सभी लोगों के रिकॉर्ड के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात बोल रही है। बिजनौर से हाशिम अहमद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।